अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, मेरा नाम है आसिफ अली और आप देख रहे हैं एसी इनक्यूबेटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 160 रनों का फुली ऑटोमेटिक एसी प्लस डीसी इनक्यूबेटर दिखाऊंगा, जिसके अंदर इनर लाइट, कैंडल लाइट वगैरह लगी हुई है। इसके साथ साथ ऑटो इन्वर्टर और ये सारा सिस्टम लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जनाब लाइट हो या ना हो, आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी। इससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप हमारे पेज पे हैं तो इसको फॉलो कर लीजिएगा। इसका वर्किंग प्रिंसिपल मैं सबसे पहले इसका अंदर से आपको दिखाता हूँ। इसका इंटीरियर, सबसे पहले इसका ये एक दरवाज़ा है, ठीक है जनाब, और अंदर से ये इसकी कुछ इस तरह से लुक है। ब्लू कलर की लाइट है, ये इसका छोटा सा बटन है, जैसे बंद करेंगे तो इसकी कैंडल लाइट भी बंद हो जाएगी और इनर लाइट भी बंद हो जाएगी। जैसे इसको ऑन करेंगे अंदर जो एलईडी है ब्लू कलर की वो ऑन हो जाएगी, और बाहर एक्स चेक करने के लिए इसको कैंडल लाइट देते हैं, ये कैंडल लाइट ऑन हो जाएगी। तो ये 452 इसके ऊपर कंट्रोलर लगा हुआ है, ये इसका ऑटोमेटिक टाइमर है। इसके अलावा स्विचेस जो हैं वो साइड पर लगे हुए हैं ताकि जो ट्रे है वो ईजिली बाहर आ सके। फैन जो है वो इस तरीके से लगे हुए हैं। इसके अंदर जो हैचर है वो हमने एक दी हुई है। ये फैन मिस्ट फैन लगाया हुआ है, मतलब ये कि इसके ऊपर आप पानी का बर्तन रखेंगे, उस पानी के सेंटर में ये रखेंगे। और जो हैचर है, और जो हैचर है दोस्तों वो ये वाली है। हैचर का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप इसके अंदर अंडे रखेंगे 18 दिन तक, फिर इससे अंडे उठाकर आप नीचे हैचर में रखेंगे, खुद ब खुद चिक्स हैच होंगे, सब कुछ इसके अंदर खुद ब खुद होगा। हम जब भी इनक्यूबेटर कोई भी बनाते हैं इधर से, उसकी सेटिंग ओके करके फिर ही हम कस्टमर को ये डिलीवर करते हैं। ये हैं जनाब मोहम्मद नवाज़ साहब, जिन्होंने आलमोस्ट तकरीबन इस इनक्यूबेटर के लिए 5 से 5.5-6 महीने इंतज़ार किया। बस बहुत ज़्यादा मसरूफियात और कुछ मजबूरियों की वजह से उनका जो पार्सल है लेट ये हो रहा है। तो जनाब ऑर्डर करने के लिए, अच्छे अच्छे और बेस्ट इनक्यूबेटर ऑर्डर करने के लिए इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, 03-127826350, 03-112-78-26-350। जनाब ये इसका, हाँ इसके अलावा मैंने आपको बताना था कि जैसे ये इसका प्लग निकालेंगे, ऑटोमेटिक ये प्लग निकाला, इसकी ऑटो इन्वर्टर एलईडी ऑन हुई, कंप्लीट इनक्यूबेटर जनाब शिफ्ट हो चुका है अपना बैटरी के ऊपर, मतलब कि डीसी के ऊपर। अब जैसे मैं इसको लगाऊंगा तो ये अलग से ये ऑन हो जाएगा लाइट के ऊपर। इस बैटरी को चार्ज करने के लिए अलग से आपको चार्जर चाहिए होगा जो इस बैटरी को चार्ज करेगा। अच्छा, काफ़ी लोग कहते हैं जनाब ये कितना बैकअप दे सकता है क्या नहीं है, डिपेंड करता है बैटरी के ऊपर। अगर इसके साथ आप बड़ी बैटरी रखेंगे तो बैकअप ज़्यादा मिलेगा, छोटी बैटरी लगाएंगे तो बैकअप टाइम इसका कम मिलेगा। अब ये देखिए, इसके अंदर दो बल्ब होते हैं 100 वाट के या 60 वाट के, दो बल्ब लगा लें तो ये बेस्ट ईजिली आपको काम दे जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिक वीडियो में, तब तक के लिए आसिफ को इजाज़त दें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।